हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे गार्डन में। ये मधुमालती के फूलों के साथ देखिए कितना सुंदर है ये प्लांट, कितनी फ्लावरिंग भी देता है। भर भर के फ्लावरिंग गार्डन में चाहिए, मधुमालती ज़रूर लगा लें। और ये ना ड्राफ्ट वैरायटी है, अगर ड्राफ्ट नहीं भी है तो भी आप उसको कट कर करके इस तरह से छोटा प्लांट कर सकते हैं। और देखिए आज आपको दिखाते हैं अपने गार्डन में। ये देखिए अपराजिता, देखिए कितने अच्छे से खिल रहे हैं। और ये जो खिले हुए फूल हैं इनको ज़रूर हटाएं, वरना बीज स्टार्ट हो जाते हैं तो इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं आएगी। ये देखिए दो दिन अगर आप नहीं हटाएंगे तो बस सीड बनना स्टार्ट। बारिश हो रही थी तो नहीं हटा पाए, तो देखिए सीड की तैयारी हो जाती है बहुत जल्दी, इसलिए इनको हटाते रहें तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती रहेगी। ये देखिए है, दो दिन में ही स्टार्ट हो जाता है सीड बनना, तो मैं तो हटाती रहती हूँ, इसी वजह से ये इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, वरना सीड पे फोकस हो जाता है। ये देखिए रोज़ फिर से खिलने लग गए हैं अब गार्डन में रोज़, क्योंकि मैंने कटिंग की थी। और मैंने गुलाब के लिए भी खाद बना के रखी है दोस्तों, क्या करें आपके साथ शेयर नहीं कर पाए हैं क्योंकि शोरगुल में वीडियो नहीं बन पाता है ना, आपके साथ शेयर कर देंगे मैंने किस तरह से खाद बना के तैयार की हुई है, तो उस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। वो देंगे रोज़ में, अभी तो उसे मैंने रख रखा है, देंगे तब फिर आपके साथ में शेयर करेंगे या फिर किसी दिन ऐसे ही हम मतलब बता देंगे। अभी आज तो मैं रिपोर्टिंग का काम कर रही हूँ, बहुत से प्लांट हमारे ऐसे ही रखे हुए थे, रिपोर्ट नहीं मैं कर पा रही थी, पॉट अब हमने ठीक किए हैं तो अब हम उन्हीं में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो वही आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं। मैंने तो कल लिए दोस्तों, बहुत सारे थे तो जल्दी जल्दी मैंने किया है कि लेबर आने से पहले मैं जल्दी जल्दी कर लूँ काम। और कल देखिए बारिश हो रही थी, आज कितनी चमकीली कितनी तेज़ धूप निकली हुई है। और ये मेरे गुड़हल के प्लांट हैं, इनमें भी देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही, कितनी कलियाँ हैं, सामने लगा दिया था तो ये वही है। और ये इस साइड हमारा अपोजिट में है, ऊपर ये इस तरह से, और ये साइप्रस वाइन तो है ही है फैली हुई। ये देखिए गुलाब की डाल नीचे को झुक गई है, इसे भी ठीक करना है। ये देखिए ये पूरा ही इसने ढक लिया है, कितनी मैं काटती हूँ और ये कितनी फैलती है। इसका फूल तो मुझे बहुत प्यारा लगता है, मैं क्या बताऊँ, इतना बढ़िया होता है। और ये देखिए फिर से आ गया, अभी एक हफ्ता भी हमें कट किए नहीं हुआ है और फिर से नई नई ब्रांचेस किले निकलने लग गए हैं। ये जो मैंने कट की हैं उन्हीं की सूखी हुई ब्रांच, अंदर जो ब्रांच होगी वही सूख गई है दोस्तों। चलिए आपको दिखाते हैं कौन कौन से पॉट मैंने कल, मैंने पॉट आउट सब ठीक कर लिए थे, सूख गए तो उसी में ये देखिए सूख गया कल था। ये कितना बड़ा फ्लावर है, ये देखिए इसी से आइडिया लग रहा है। और ये देखिए मोगरा के फूल झड़ गए हैं। और ये देखिए मैक्सिकन पिटूनिया की बहार, देखिए बहुत खूबसूरत प्लांट है ये। मैंने यहाँ के गुड़हल के प्लांट जो हमारे रूट बाउंड थे छोटे छोटे पॉट में थे, उनको भी मैंने रिपोर्ट कर दिया है, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में दोस्तों वीडियो नहीं मैंने शूट किया। वीडियो शूट करने में टाइम लग जाता है, फिर काम भी नहीं हो पाता और धूप भी बहुत तेज़ आ जाती है। वो तो मैं ऐसे ही बता दूंगी, और सभी को पता है क्या क्या डालते हैं क्या नहीं, वो मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर दूँगी कि मैंने क्या डाला है। और फिलहाल अभी मैंने खास कुछ नहीं दिया है, सिंपल वे में मैंने रिपोर्ट किया है। और खाद तो हम ऊपर से भी डाल सकते हैं गुलाई करके, अभी तो बारिश से ही भीगी हुई मिट्टी थी
तो बस ऐसे फटाफट मैंने काम किए हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी काम में ऐसा ही होता है कि फटाफट काम कर लो। खाद तो उसमें थी भी, क्योंकि उसी प्लांट की मिट्टी मैंने उसी में ऐसे ही एग्जिट रख दी है, हटाई नहीं है, ना ही रूट्स मैंने कट किए हैं। इस वजह से ये देखिएगा, ये देखिए मैंने गुड़हल के दो मैंने लगा लिए हैं। ये तो बिल्कुल रूट बाउंड हो गया था, नीचे आ गई थी रूट। ये जो है इस वाले पॉट में था, इसमें ये डब्बा है ना, इसी में था, ये पूरा नीचे तक पूरा भर गया था रूट से। और ये वाला प्लांट इस वाले छोटे से पॉट में था, तो ये भी रूट बाउंड हो गया था। इसमें वही पिंक वाला बेबी पिंक टाइप का जो फूल आता है वो है। और ये चाइनीज़ हिबिस्कस है, ये देखिए फूल। ये तो इन दोनों को रिपोर्ट किया। अब मैं इसको रिपोर्ट करने जा रही हूँ, ये जो पर्पल वाला है, हिबिस्कस थैली में था, ये छोटी थैली में था, मैंने इसको बड़ी थैली दे दी थी, तो ये अच्छे से ग्रो हो गया। ये देखिए लिली का प्लांट मैंने किया हुआ, फुटबॉल लिली है, ये भी इस वाले ग्रो बैग में ही था इतने दिन से, तो इसको भी मैंने कर दिया। और इस वाले को भी मैं ये रिपोर्ट करने जा रही हूँ, प्लास्टिक के पॉट से हटा के इसको मैं मिट्टी का पॉट देने जा रही हूँ। ये किया है काम। और कोको पीट भी मैंने डाल ली है, मिट्टी भुरभुरी नहीं है, कोको पीट रेत जो भी कुछ है आपके पास वो आप ज़रूर डालिए, क्योंकि भुरभुरी मिट्टी में ही प्लांट्स की रूट्स अच्छे से फैलती हैं। और ज़रा मेरे प्लांट्स की हालत देखिए, कितने गंदे गंदे पत्ते हो रहे हैं काम की वजह से। रोज वॉश करती हूँ, रोज ही धूल गल, बताइए जब हमारी लीफ अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगी कैसे हमारे प्लांट्स ग्रो होंगे, क्या होंगे। अब देखिए पूरा एक डेढ़ साल का यहाँ का कार्यक्रम है, ये देखिए सारा टूट गया है। ये देखिए अभी ये वाला भाग भी टूटेगा, ये बाउंड्री टूटी है, ये जीना भी टूटेगा। मैं कहाँ कैसे अपने प्लांट्स में संभालूंगी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ये देखिए सब टूट गया है, सब टूटा हुआ है। ये अब ये देखिए आपको दिखाते, ये मैंने ब्रोकन हार्ट को भी बड़ा प्लांटर दे दिया, ये छोटे प्लांटर में था, इस वाले छोटे प्लांटर में था, इसमें मैंने ये सिंगोनियम शिफ्ट कर दिया है। और ये जो है ये भी हमारे पॉली बैग में था, इसको भी हमने पॉट दे दिया। और एक ये भी लिली की वैरायटी है, बर्ड्स पैराडाइज नाम है इसका शायद, क्योंकि इसमें जो फूल आता है वो बर्ड जैसे होती हैं, कुछ वैसे नोकदार आता है। इसका मैंने वीडियो, तो जब मैंने ख़रीदा था तब मैंने इसका वीडियो मैं बनाया था, पर वो गलती से आधा मेरा डिलीट हो गया, एक पार्ट रह गया, इस वजह से फिर मैंने अपलोड नहीं किया दोस्तों। और ये भी मैंने रिपोर्ट कर लिया है, इसको भी मैंने पॉट दे दिया, क्योंकि इसमें फूल आएंगे, नए नई ब्रांचेस आएंगे तो फूल आएंगे, क्योंकि नई ब्रांच पे फूल आते हैं, पुरानी ब्रांच पे तो नहीं आते हैं फूल। इस वजह से इतने सारे मैंने काम किए हैं दोस्तों, अभी और भी काम बाकी हैं, समेटने हैं। ये सब यहाँ से मैंने हटा लिए थे पॉट, कि कहीं एकदम से टूटने लग जाए और मुझे ना पता चले। अभी ये भी मुझे सब हटाने हैं। और ये देखिए कटिंग्स लगाई थी, ये वो कटिंग्स हैं जो चल गई हैं। ये गुलदाउदी की अपडेट आप लोग देखिए, ये गुलदाउदी यहाँ पे रखी हुई है, रोज में भी गुलाई करनी है। बारिश के बाद इतनी गीली मिट्टी हो जाती है और लीफ भी अजीब सी हो जाती है, इनको सबको भी ठीक करना है। ये देखिए ये कली तो सही आई है, ये छोटी आई है, तो इसको हम काट देंगे, क्योंकि ये फूल तो खिलेगा नहीं, फालतू में एनर्जी ले रहा, सॉरी। इस तरह से चलिए दोस्तों, अब मैं ये काम भी करती हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और इसमें नीम खली फंगीसाइड मिट्टी में जरूर डाल दीजिएगा, ताकि उसकी बरसात है, बरसात की मिट्टी है, सारे प्लांट हैं,
वजह से जितना जोर डाल लीजिएगा, थोड़ी सी खाद डाल लीजिएगा, चाहे काऊ डक डालिए चाहे वर्मी कंपोस्ट डालिए, और आप चाहें तो सरसों की खली भी थोड़ी सी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास हो वो डालिए। सरसों की खली में भी पूरा एनपीके वाला ही फार्मूला है, उसमें भी सभी कुछ होता है। तो इस तरह से, और ये इस तरह से मैंने इस पर कपड़ा रखा है, और ये सारा मैंने किचन और गार्डन वेयर जो भी कुछ मैंने इकट्ठा किया था वो सब धीरे धीरे मैं इन्हीं पॉट में मैंने नीचे थोड़ा थोड़ा डाल दिया है, जिससे कि ये नीचे खाद बन जाएगी। इसमें आलू की छिलके, केले की छिलके, प्याज की छिलके, और ये देखिए तोरई के छिलके सभी कुछ हैं, और गार्डन की पत्तियाँ जो मैंने अपराजिता कट की थी वो भी है। तो सभी कुछ ऐसे मैं थोड़ा थोड़ा नीचे डाल डाल के मैं प्लांट जो है रिपोर्ट कर रही हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए।